हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन टुडेज क्लास एंड दिस इज द फिफ्थ वीडियो पार्ट ऑफ चैप्टर 7 फ्रॉम ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10th एंड नेम ऑफ चैप्टर इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। पहले की चार क्लासेस के अंदर हमने बहुत कुछ देख लिया, समझ लिया, जान लिया और लास्ट वीडियो के अंदर हमने पाइपलाइन के बारे में समझा था। तो आज की क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं सेकंड डोमेन एंड फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन वे, दैट इज वाटर वेज। तो आज की क्लास में हम वाटर वेज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूं कि जैसे आपको पता है वाटर वेज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे है किसी एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। जैसे आपको पता होगा 1498 के अंदर भी इंडिया के अंदर जो पहला कोई बाहर से आया था फॉरनर 1498 के अंदर जिसने इंडिया को ढूंढा था वो एक पुर्तगीज वास्को डी गामा, वो भी इंडिया के अंदर कैसे आए थे, वाटर वे के अंदर ही आए थे, ठीक है। और वाटर वे को सबसे चीपेस्ट वे माना जाता है, क्यों? क्योंकि वाटर वे के अंदर आपको रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको ट्रेन से जाना है तो पहले पटरी बिछानी पड़ती है, अगर आपको सड़क से जाना है तो पहले रोड बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको वाटर वे से जाना है तो वाटर वे बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, हल्के फुल्के कहीं ब्रिज वगैरह बनने होते हैं तो बन जाते हैं। तो वाटर वे को सबसे चीपेस्ट वे माना जाता है और सबसे ओल्डेस्ट वे भी वाटर वे ही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री आने के लिए। और ये चीपेस्ट वे तब माना जाता है जब आपको भारी बल्कि सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके आना जाना हो, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कल्चर एक्सचेंज होना, गुड्स एक्सचेंज होना, ये भी वाटर वे से ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो हम देखते हैं इंडिया की वाटर वे का क्या सिचुएशन है अभी हाल फिलहाल में। तो क्या कहता है, इंडिया हैज़ इंडियन नेविगेशन वाटर वे ऑफ 14,500 किलोमीटर लेंथ, आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनिज्ड वेसल्स। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ बेसिकली ये बताया गया कि इंडिया के अंदर, इनलैंड का मतलब है इंडिया के अंदर के अंदर, एक ही कंट्री के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन को इनलैंड कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर ही जब आप वाटर वे का यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे वाटर वेज हैं इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। तो उन सब की अगर टोटल लेंथ को कैलकुलेट किया जाए तो टोटल लेंथ कितनी निकल के आएगी, तो आएगी 14,500 किलोमीटर। मतलब ये इंडिया के अंदर टोटल जितने भी वाटर वेज बनाए गए हैं उन सभी के डिस्टेंस को अगर टोटल किया जाए तो वो 14,500 किलोमीटर आएंगे, जिनमें से 5,685 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसे हैं जिनको मैकेनिज्म वेसल से तय किया जाता है। मतलब 14,500 किलोमीटर वाटर वे में से 5,685 किलोमीटर वाटर वेज ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसे बोट चलाए जा सकते हैं जो कि मोटर से चलने वाले बोट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही मोटर से चलने वाले बोट्स को मैकेनिकल वेसल्स या मैकेनिकल बोट्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि इंडिया के अंदर सिर्फ रोडवे ही नहीं, ठीक है, वाटर वेज का भी यूज़ किया जाता है। अब देखो इंडिया के अंदर टोटल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 111 वाटर वेज हैं। अब ये 111 वाटर वेज क्या हैं, तो ज़रा याद करो जब हम रोडवेज कर रहे थे तो रोडवेज वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया के अंदर टोटल 599 NH यानी कि नेशनल हाईवेज है, जिसमें हमने NH1 के बारे में पढ़ा भी था। तो जिस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आप रोड्स का यूज़ करते हो उसे नेशनल हाईवे यानी कि NH कहा जाता है, सेम इसी तरह से इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाने के लिए हम वाटर वेज का यूज़ करते हैं उसे NW यानी कि नेशनल वाटर वेज कहा जाता है, ठीक है। जैसे NH नेशनल हाईवे होता है, इस तरह से NW नेशनल वाटर वेज भी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस तरह से इंडिया के अंदर टोटल 599 NH यानी कि नेशनल हाईवे है, उसी तरह से इंडिया के अंदर टोटल 111 NW यानी कि नेशनल वाटर वे हैं। तो 111 जो नेशनल वाटर वे हैं उनमें से 5 नेशनल वाटर वे के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं और इनके बारे में आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो पहला जो नेशनल वाटर वे है वो है द गंगा रिवर, ठीक है। तो जो गंगा रिवर वाटर वे है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको आप कह सकते हो गंगा भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम, ठीक है। मतलब ये जो 111 नेशनल वाटर वेज में से पहला जो नेशनल वाटर वे आता है वो है द गंगा रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। इस गंगा रिवर को गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। तो जो गंगा रिवर है यानी कि जो NW1 है नेशनल वाटर वे 1 है, वो किन जो दो जगहों को जोड़ती है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है ये अलाहाबाद से लेके हल्दिया को जोड़ती है, अलाहाबाद जो कि यूपी के अंदर है और हल्दिया जो कि आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। और ये 1620 यानी कि 1620 किलोमीटर लंबा है और इसको नेशनल वाटर वे यानी कि NW1 कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसकी एक दो खासियत और बताता हूँ। पहले तो मैंने ये बता दिया कि इसका नाम ये है, दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है ये लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर वे है इंडिया का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ओल्डेस्ट वाटर वे है, ये भी ध्यान रखना है,
ठीक है, मतलब जो द गंगा रिवर सिस्टम है, इसकी पहली बात तो यह है कि इसका एक नाम और है द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। दूसरी बात यह कि ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है जिसकी लेंथ 1620 किलोमीटर। तीसरा ये कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल वाटरवे भी यही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया NWN यानी कि नेशनल वाटरवे वन। दूसरा जो आता है NW2 यानी कि नेशनल वाटरवे टू, वो है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन। और हाँ, इसकी एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार स्टेट से होकर गुजरता है। कौन कौन? एक यूपी, एक बिहार, एक झारखंड एंड एक वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो NW1 है, नेशनल वाटरवे वन है, ये एक नहीं चार स्टेट यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेशनल वाटरवे टू आता है जो कि है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड डुबरी। तो इसके अलावा आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो सदिया है डुबरी है, सदिया से डुबरी जाने के लिए आप रिवर के थ्रू जा सकते हो और उसके लिए आपको द ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि नेशनल वाटरवे टू यूज़ करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम कहाँ है? तो ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है आसाम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सदिया, डुबरी, ये सब आसाम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा जो नेशनल वाटरवे आता है NW3 यानी कि नेशनल वाटरवे 3, वो है द वेस्ट कोस्ट कैनल जो कि केरला के अंदर है। वेस्ट कोस्ट कैनल पूरा का पूरा केरला के अंदर है और ये किन जगहों को जोड़ता है? तो ये कोटापुरम से कोलम और दूसरा उद्योगामंडल से चंपकारा, इन दो जगहों को जोड़ता है। मतलब अगर आप केरला के अंदर जाओ तो अगर आपको कोटापुरम से कोलम जाना है या फिर उद्योगामंडल से चंपकारा जाना है तो आप द वेस्ट कोस्ट कैनल यानी कि नेशनल वाटरवे 3 NW3 का यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास चौथा नेशनल वाटरवे जो आता है वो है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है, ये है काकीनाडा। काकीनाडा आपका कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो काकीनाडा से पुडुचेरी, पुडुचेरी आपको पता है ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे ये बताया गया है। और एक चीज़ और, द ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यानी कि नेशनल वाटरवे 2 है, इसका लेंथ 891 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 3 का लेंथ 205 किलोमीटर है और नेशनल वाटरवे 4 का जो लेंथ है वो 1078 किलोमीटर है जो कि आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से पुडुचेरी को जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार स्टेट से गुजरता है। किन किन स्टेट से? एक है तमिलनाडु, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तेलंगाना और एक चौथा जो है वो एक यूटी है, पुडुचेरी। तो ये तीन स्टेट और एक यूटी जो नेशनल वाटरवे 4 है जिसकी लेंथ 1078 किलोमीटर है, ये तीन स्टेट और एक यूटी को जोड़ता है जिसमें से एक है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है यूटी है पुडुचेरी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेशनल वाटरवे 5 यानी कि NW5 आता है, उसको देखते हैं ये कौन कौन सी जगह पे है। तो ब्रह्मणी रिवर अलोंग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट के। तो एक रिवर है ब्रह्मणी रिवर, एक है मताई रिवर, ये दोनों ही रिवर आपके उड़ीसा के अंदर है। फिर महानदी रिवर है, फिर ब्रह्मणी रिवर है। ठीक है, ब्रह्मणी ये वाला हो गया, तीन रिवर से गुजरता है जिसमें से एक ब्रह्मणी और एक मताई, ये पूरा उड़ीसा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो NW5 यानी कि नेशनल वाटरवे 5 जो है वो बेसिकली आपके दो स्टेट से गुजरता है, एक उड़ीसा और दूसरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, उड़ीसा में इसका पार्ट ज़्यादा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल में मेरे ख्याल से इसका लगभग 40 से 50 किलोमीटर ही है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, बाकी 588 में से जितना बच गया वो सब उड़ीसा के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पांच मेन नेशनल वाटरवे हो गए इंडिया के अंदर। और टोटल नेशनल वाटरवे कितने हैं? तो टोटल नेशनल वाटरवे इंडिया के अंदर 111 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन पांच नेशनल वाटरवे के अलावा और कई और इलाके हैं जहाँ पे हमें वाटरवे देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मंदा देवी, जुराई, कैम्बुर्जा या फिर सुंदरबन, बारक, बैक वाटर ऑफ केरला, ये सभी इलाकों के अंदर आपको छोटे मोटे नेशनल वाटरवे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि 95% ऑफ कंट्री ट्रेड वॉल्यूम, 68% इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। यहाँ पे ये बताया गया कि कंट्री, हमारे देश के अंदर जितना भी ट्रेड होता है, कंट्री के अंदर जितना ट्रेड होता है उसमें से 95% ट्रेड, अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें मनी के टर्म में, तो मनी के टर्म में 68% जो ट्रेड होता है वो समुद्र यानी कि सी के रास्ते ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री सामान भेजने के लिए सिर्फ समुद्र का नहीं, बल्कि अपनी कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए, इनलैंड के लिए भी हम सी का वाटरवेज का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास जो कि नेशनल वाटरवेज के ऊपर था, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।
एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल जो वाटर वेज हैं उनके अंदर उसके अंदर कौन कौन से पोर्ट्स बने हुए हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं, और वो पोर्ट्स आज कितने पुराने हैं, कितने नए हैं और कितने यूज़ होते हैं, उन सारे पोर्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।